चलिए शुरू करते हैं एरर्स ऑफ नाउंस के असाइनमेंट का डिस्कशन. और क्वेश्चन नंबर वन, ऑल काउज हैव टेल्स विच इट यूजेस. बस यहीं पर एरर मिल गई. इट यूजेस, अगर ऑल काउज प्लूरल है तो इट नहीं होना चाहिए, इट का प्लूरल दे. और दे है तो यूजेस में से एस भी हटना चाहिए, वर्ब को प्लूरल करेंगे. सो प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल. विच दे यूज टू कीप फ्लाइज अवे. क्वेश्चन नंबर टू, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी हैज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स. मिस्टेक है, अल्फाबेट्स नहीं होता है, अल्फाबेट इट इज द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स. इंग्लिश अल्फाबेट जिसमें कि 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स कभी नहीं होता सही. क्वेश्चन नंबर तीन, हम लोगों ने नाउन के लेक्चर में देखा था, 5 years यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसलिए यहाँ से इसको एस को हटना चाहिए. अ 5-year-old बॉय. आई होप यू रिमेंबर दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट. इस बैगेज इज बीन सीज्ड बाय द कस्टम ऑफिसर. गलत, कस्टम तो रीति रिवाज को बोलते हैं, होना चाहिए था कस्टम्स ऑफिसर. कस्टम्स ऑफिसर होते हैं जो एयरपोर्ट पे गुड्स की चेकिंग वगैरह करते हैं. चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चिफ्स. अगेन मिस्चिफ अनकाउंटेबल होता है तो प्लूरल नहीं लगेगा. सेम ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉज नहीं होता, ब्रदर्स इन लॉ होगा. ये सब बड़ी एलिमेंट्री सी एरर्स हैं जिनका कि कोई ख़ास आजकल के एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंस नहीं है. ये एक पॉइंट भी क्लास उसमें लास्ट लेक्चर में किया था, अगर दीज प्लूरल है तो इसके साथ काइंड नहीं, काइंड्स होना चाहिए था, दीज काइंड्स. और प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा कि ये दीज काइंड्स, शायद कहीं ये लर काम आ जाए. आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज़ नाउ इन द लैप ऑफ गॉड. ईश्वर के लिए जब गॉड शब्द का यूज़ करते हैं तो उसके साथ द नहीं लगाते हैं. हालांकि अगर यही गॉड शब्द किसी व्यक्ति के संदर्भ में किया जाए यूज़, तो द का यूज़ किया जा सकता है. जैसे एक कहा जाता है था कुछ समय पहले तक, सचिन इज द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट. तो जब द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट उसको बोलते थे तो सेंटेंस ये नहीं होता था, सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट. तो ये समझ में आता है कि द गॉड कहा जा रहा है सचिन को. तो अगर किसी व्यक्ति के संदर्भ में गॉड शब्द का यूज़ होता है तो द लगाते हैं, लेकिन ईश्वर के संदर्भ में द का यूज़ नहीं किया जाता. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सत्यजीत रे कंसीव्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ फिल्म्स. अ नंबर ऑफ अगर है तो अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, और अगर इसका मतलब है मैनी तो ऑब्वियसली नाउन को प्लूरल होना ज़रूरी है. अ नंबर ऑफ फिल्म्स, क्योंकि अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, तो फिल्म्स होना चाहिए था. द रेट ऑफ ग्रोइंग, बस ये गलत हो गया, रेट ऑफ ग्रोथ होता है, इसका नाउन है ग्रोथ. एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी, एम्फेसाइज वर्ब हो जाता है, एम्फेसिस ई हटाने से ये नाउन बन गया. एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी, एम्फेसिस माने
जोर देकर किसी बारे में बात करना। आई सीरियस ऑब्जेक्शन, बस यहीं गड़बड़ हो गया, वर्ब ही नहीं है। या तो इसको एक तरीका है हम करें आई हैव सीरियस ऑब्जेक्शन। एक्चुअली यहाँ अगर आप देखेंगे तो दो गलतियाँ मिलेंगी। पहला हो सकता है आई हैव सीरियस ऑब्जेक्शन, ये किया जा सकता है, ठीक। और या फिर एक तरीका है जब हम इसको एक तरीके से और लिख दें आई सीरियसली ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों तरीके से कहा जा सकता था, आई सीरियसली ऑब्जेक्ट या आई हैव सीरियस ऑब्जेक्शन। चलिए ये तो बात हो गई, लेकिन एक चीज़ और गड़बड़ है और वो है आईएनजी के पहले, लेक्चर्स नाउन के लेक्चर्स में आपने देखा होगा आईएनजी के पहले पजेसिव होना चाहिए था। तो अगर आईएनजी के पहले पजेसिव करना है तो ही की जगह हेज आना चाहिए था। अगर ये एरर याद ना हो तो ये कर लीजिएगा, ये एरर भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम लेवल की है। नेक्स्ट इज आई न्यू ऑफ हिज गुड इंटेंशंस बट आई कुड नॉट एक्सेप्ट हिज एडवाइज्ड वर्ड, जो लिखा है ये वर्ब हो रहा है, एडवाइज वर्ब है, इसका नाउन बनता है एडवाइस, सी ई, एडवाइस सी ई नाउन है और हमको यहाँ पर नाउन यूज़ करना था। क्वेश्चन नंबर 14 ज़रा आप खुद देखिए, मैं रुकता हूँ, आपको थोड़ा समय देता हूँ बिकॉज इट इज़ अगेन अ वेरी नाइस एरर, इनोसेंट सी एरर है एंड ढूंढने में एरर शायद मुश्किल होगी। ओके, विल यू डू मी अ फेवर, नाउन को बिना डिटरमिनर के नहीं छोड़ते, इसलिए विल यू डू मी अ फेवर होना चाहिए था। नॉर्मली हम लोग नाउन के साथ ए और द में लापरवाही कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी सिंपल, अगर प्रेमिसेस है तो इज की जगह आर होना चाहिए, ये भी आपने नाउन के लेक्चर में पढ़ा होगा, प्रेमिसेस प्लूरल होता है तो आर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, गुड क्वेश्चन, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट मैनी यंगस्टर्स गेट अडिक्टेड टू, अब गेट अडिक्टेड टू गैम्बल नहीं गैम्बलिंग, जुए की आदत को गैम्बलिंग कहते हैं, गैम्बल वर्ब है तो अडिक्टेड टू गैम्बलिंग। और कुछ समय के बाद जब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस की चर्चा करेंगे तो वहाँ ये बात फिर काम आएगी, और सिंपल सी बात है कि प्रेपोजिशन टू के बाद वर्ब आईएनजी होना चाहिए जो कि नाउन का काम करता है। तो फाइनल आंसर अडिक्टेड टू गैम्बलिंग। क्वेश्चन नंबर 17, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड, ये ट्रू टू योर वर्ड ये एक idiom है और इस idiom का मतलब होता है वादा निभाना, अपनी बात पे कायम रहना। वहाँ पर वर्ड ही यूज़ होता है, वर्ड्स में s गलत हो जाएगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 18, अगेन गुड क्वेश्चन, पढ़िए, I am sure you don't mind they searching. अब ध्यान दीजिए, searching ing है और ing से पहले possessive, तो they नहीं their होना चाहिए था। उनका तलाशी लेना बहुत important error है ये, और इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि ing से पहले पजेसिव करना है।
फिर बात करते हैं, इफ यू कैन फेस योर क्रिटिसाइज, अब क्रिटिसाइज फिर वर्ब हो गया और इसका होना चाहिए था आलोचना, क्रिटिसिज्म, CRITICIZM, क्रिटिसिज्म। तो इफ यू कैन फेस योर क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज इज वर्ब। अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है, एंड गिव्स यू अ लॉट ऑफ, रिलैक्स नहीं, ये फिर वर्ब आ गया, रिलैक्स की जगह होना चाहिए था नाउन रिलैक्सेशन। ट्वेंटी वन, द विजिलेंस डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड मैनी मैनी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या बना, अनकाउंटेबल। अगर इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है तो फिर मैनी की जगह अ लॉट ऑफ। कई बार हमसे लोग बोलते हैं कि मच भी लगा सकते हैं, तो एक पॉइंट है, इसको प्लीज़ अलग से अगर हो सके तो नोट कर लें। अनकाउंटेबल के साथ मच लगता ज़रूर है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में लगता है। तो चूंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हैज़ रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, तो अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल के साथ अ लॉट ऑफ लेंगे और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के साथ मच लिया जाता है। तो ये तो कहा जा सकता है कि आई, मैं लिख देता हूँ फिर इरेज कर देंगे, आई डू नॉट हैव मच मनी। तो नॉट है इसलिए मच का यूज अनकाउंटेबल के साथ, ये प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज में प्रिफर्ड यूसेज है, आई डू नॉट हैव मच मनी। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये शायद आगे कहीं काम आए। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऑर्डर हैज बीन इशूड। अब देखना, अगर यहीं के यहीं सिर्फ वर्ड ही वर्ड पर डिपेंड करेंगे तो हम लोग शायद इसको ना कर पाए, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। ये देम किसका प्रोनाउन है, क्या नहीं मिला है उसको, तो आप कहेंगे ऑर्डर। अब ऑर्डर है तो फिर देम लगा हुआ है, और इससे पहले कि आप सोचें ऑर्डर है तो देम को इट कर दें, थोड़ा सा आगे पढ़िए तो फिर देम आ गया है, और दो जगह तो करेक्शन कर नहीं पाएंगे, तो फिर सीधी सी बात है गलती यहां पर है। ऑर्डर के बजाय क्या होना चाहिए था, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड, तो हैज भी हट जाएगा और ऑर्डर्स हैव बीन इशूड बन जाएगा। ट्वेंटी थर्ड, प्लीज रीड एंड टेल मी बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द हिल्स में गलती नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, अबाउंड इन सही होता है, ब्यूटिफुल सीनरी है प्लूरल नहीं है तो ये भी सही, विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट, इट जो है वो सीनरी के लिए हो गया, गलती थी उत्तर प्रदेश के साथ द लगाने की ज़रूरत नहीं थी। देयर आर टू डजन, ये एक पॉइंट है जिसको आप क्लियरली नोट कर लें, ये गलत हुआ। ये जो संख्या सूचक वर्ड होते हैं डजन, हंड्रेड वगैरह, अगर ये किसी नंबर से के साथ हो
इनके पहले कोई नंबर लगाओ, जैसे यहाँ टू लगा है, तो फिर ऑफ नहीं लगाया जाता, तो बनेगा टू डजन बुक्स। अब ये टू डजन यहाँ प्योर एडजेक्टिव हो गया, और जैसे ही इन शब्दों के साथ संख्या ना हो, खाली डजन हो, तो फिर इनको प्लूरल करके ऑफ लगाया जा सकता है, डजन्स ऑफ बुक्स। डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन द टू? यहाँ संख्या का जिक्र है तो इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, ऑफ नहीं लगाएंगे यहाँ पर, और ये, और यहाँ पर सेकंड पॉइंट में अगर कोई संख्या यहाँ पर नहीं है इसके पहले, तो हम डजन्स प्लूरल करके ऑफ लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। क्वेश्चन है तो उसके कंटेंट्स होंगे, जो भी चीज़ उसकी विषय वस्तु है। बुक होती है, बुक का कभी पहला पेज खोलिए तो देखिए बड़ा बोल्ड से नहीं लिखा रहता है, कंटेंट्स मतलब क्या क्या चीज़ें इस किताब के अंदर हैं। उसी तरह से लेटर में क्या क्या है उसकी विषय वस्तु, उसके लिए वर्ड होता है कंटेंट्स। आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स। ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं कि वर्क नाउन की तरह जब होता है तो प्लूरल नहीं माना जाता है। कई काम हैं हिंदी में बोला जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में वर्क ही रहेगा, और अगर ये वर्क है अनकाउंटेबल है तो फिर मैनी भी हटना चाहिए, और जैसा भी थोड़ी देर पहले बात हुई, अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टू कंप्लीट। इट इज़ अ पिटी दैट इवन फाइव ईयर ओल्ड बॉयज़। अब गौर करिए, अगर प्लूरल है तो ए तो लगाना नहीं है, ए तो आएगा नहीं, जैसे पहले यहाँ ए लगा लिया करते थे तो ए तो आएगा नहीं, लेकिन बॉयज़ कैसे हैं, फाइव ईयर्स के हैं, तो फाइव ईयर्स एडजेक्टिव बन रहा है, अगर ये एडजेक्टिव बन रहा है तो वापस एस नहीं आएगा। फाइनल आंसर फाइव ईयर ओल्ड बॉयज़। 28, आई गेव हिम 2 100 रुपी नोट्स। अब गौर करो तो यहाँ गलती नहीं है, क्योंकि ये टू जो है ये नोट्स के लिए, तो नोट्स अगर दो हैं तो ठीक है, टू प्लूरल हो गया, और ये टू नोट्स किस कितने के हैं, 100 के हैं, तो 100 रुपी यहाँ क्या बन गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, यहाँ तो गलती नहीं मिली, गलती थी यहाँ। बचत के लिए सेविंग नहीं होता, सेविंग्स होता है, तो एरर यहाँ नहीं थी, फर्स्ट पार्ट में एरर आगे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ना नेवर माय बिजनेस टू गिव एन एडवाइस। ओके, एडवाइस को इंग्लिश में अनकाउंटेबल माना जाता है, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो फिर इसके साथ एन नहीं आएगा। Easy. 30, there is a lack of girls schools in the town and many parents don't like to send their children to... अब अगर लड़की, देखो यहाँ तो girls ऐसे लिखा है, girl के बाद apostrophe है, girl और फिर apostrophe लगाती है, तो एक ही लड़की हो गई, एक ही लड़की का स्कूल थोड़े होगा, लड़कियों का स्कूल है, तो इसका मतलब प्लूरल तो बनाना पड़ेगा पहले girls, और उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा दें। आपने पढ़ा होगा कि एपोस्ट्रोफी, अगर कोई वर्ड प्लूरल में ख़त्म हो रहा है तो उसका एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगता है। अब गर्ल्स स्कूल्स हो जाएंगे लड़कियों के स्कूल्स, गर्ल्स प्लूरल हो गया, राइट, दिस वाज रॉन्ग एंड गर्ल्स स्कूल्स होगा। दैट फिनिशेज आवर डिस्कशन ऑफ नाउन शीट। प्लीज़ डू टेल मी, जो भी आपका फीडबैक हो, आपके ऑब्जर्वेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ आपको ये बताना है कि डिस्कशन का तरीका, उसमें कुछ सुधार करना हो प्लीज़ मुझे बताइए। दूसरा, आपको मुझे बताना है
स्पीड तो ज़्यादा नहीं थी, और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू नो कि मेरा नंबर, मैं यहाँ पर शायद अगर आप की जानकारी में ना हो या भूल गए हों, तो माई नंबर इज़ 9935864 69। तो प्लीज़ इस नंबर पे प्लीज़ डू गिव मी आइदर अ कॉल और आस्क मी योर प्रॉब्लम्स फॉर दिस एक्सरसाइज, वट एवर यू प्रॉब्लम्स यू हैव रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज। और अब ऑन अ रेगुलर बेसिस हम लोगों की टीचिंग असाइनमेंट बेस्ड होगी, जो मुझे लगता है कि शायद आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। प्लीज़ टेल मी योर फीडबैक ऑन दैट ऑल्सो। थैंक यू, बाय।